वाराणसी में सपा पर हमला बोलते हुए प्रदेश महामंत्री ने कहा, समाजवाद के दर्शन को जातिवाद में व परिवारवाद तक पहुंचाया। समाजवादी पार्टी ने उक्त बातें आगामी 26 तारीख को लखनऊ में होने वाले किसान सम्मान रैली की सर्किट में बैठक लेने पहुंचे किसान मोर्चा जनपद वाराणसी के पदाधिकारियों से कहा। 2022 में सेवा ही संगठन के मूल मंत्र है तथा केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की किसान कल्याणकारी नीतियों के साथ जनता के समक्ष जाने हेतु संकल्पबद्ध हैं। हमें संगठन से सेवा माध्यम से जन जन सेवा हेतु किसान मोर्चा के सभी कार्यकर्ता मिलकर आगामी चुनाव में जनता की सेवा हेतु भारी समर्थन जुटाएंगे। किसानों की आय दुगुनी करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और किसानों के हित के लिए निरंतर जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतार कर किसानों के हित में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। चाहे वह मिल परीक्षण की बात हो, चाहे किसान कल्याण सम्मान निधि की बात हो, चाहे ऋण माफी की ही बात क्यों न हो, चाहे जैविक खेती की तरफ किसानों को अग्रसर करने की बात हो, पशुपालन की बात हो, मत्स्य पालन की बात हो, हर एक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर अपने संकल्प को दोहराते हुए आगे बढ़ रही है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिले के किसान मोर्चा के अध्यक्ष राम प्रकाश सिंह वीरू ने कहा कि लखनऊ की रैली में वाराणसी जनपद के अपने सभी पदाधिकारियों के साथ लगभग 500 किसानों को किसान सम्मान रैली में ले जाया जाएगा। सरकार निरंतर उत्तर प्रदेश के किसानों की आय दोगुना करने के लिए जनपद के हर ब्लॉकों में किसान मेला का आयोजन कर किसानों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है और नए नए गुण सिखा करके आत्मनिर्भर किसान बनाने के लिए अपने संकल्प को सिद्ध तक पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं जिले के महामंत्री पवन चौबे ने कहा कि देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुधारत से चल रही अविरल विकास की धारा को प्रवाहित करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं तथा उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार को इस प्रदेश को जंगल राज से निकालकर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास व सबका प्रयास की अवधारणा को कार्य रूप में परिणित करने के लिए मुख्यमंत्री जी का सहृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर कार्यक्रम के संचालन जिला महामंत्री प्रेम पाठक ने किया। वह किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री ब्रिजनंदन जी ने अपने विचारों को व्यक्त किया। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य दीपक राय भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर पवन चौबे, उपेंद्र दुबे बाबा, जितेंद्र सिंह जीतू, दीपक सिंह, आशीष राय, रिंकू, उमेश सिंह, अनुराग सारथी, बाबू विश्वकर्मा, पंकज भारद्वाज, शैलेश मिश्रा, रवि मिश्र, कौशल मिश्र, हौसला पांडे, शेषधर चौबे सहित आदि पदाधिकारी उपस्थित रहे। उनका वेलकम किया गया। तो आइए देखते हैं भदोही से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। कि अब किसान के ट्यूबवेल का जो बिजली बिल बकाया है उसको प्रताड़ित करने के लिए बिजली विभाग का कोई अधिकारी नहीं जा पाएगा, पर हम कोशिश करेंगे कि किसान के वो ये निर्णय था कि पराली के जलाने में जो मुकदमे उत्तर प्रदेश में पूर्व में दर्ज हो गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार 1180 क्विंटल गन्ना उसका जा रहा है और नाली वाले ने अगर 2000 भाड़ा मांगा तो 400 रुपए तो सरकार दे रही है। चीनी मिलों जो जुर्माना उस पर लगा होगा उसे भी वापस कराने की कार्रवाई करेगी और आपको जानकर प्रसन्नता होनी चाहिए जो सामना देश निर्गत हो गया है। सभी कोविड-19 की दैवीय आपदा में किसानों ने जो सेवा समर्पण के माध्यम से सहयोग किया है उसे कोई परेशानी ना हो, हम विद्युत बिल का भी समाधान कराएंगे। कि अब किसान के ट्यूबवेल का जो बिजली बिल बकाया है उसको प्रताड़ित करने के लिए बिजली विभाग का कोई अधिकारी नहीं जा पाएगा, पर हम कोशिश करेंगे कि किसान के आज वाराणसी आना हुआ है क्या कुछ उद्देश्य है? सर आज वाराणसी में किस तरह का आपका आगमन हुआ है, इसका क्या उद्देश्य है? आज वाराणसी ग्रामीण किसान मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठना हुआ है। विषय था कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल
उत्तर प्रदेश की सेवा में पूरे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने किसान सम्मेलन का कार्यक्रम लिया है लखनऊ में, सब आयोजित कर रहे हैं उसकी तैयारियों के लिए 26 तारीख के लिए जुटेंगे। सरकार ने किसानों को केंद्र में रख करके विकास के अनेकों काम किए, जहां उनको उनकी फसल का वाजिब दाम मिले उसके लिए एमएसपी तय किया, उनके खेतों के जो यंत्र हैं उन पर सब्सिडी दिया है, बीजों के सब्सिडी दिया है, खाद के सब्सिडी दिया है, उनके खेत के उत्पादन को वास्तविक बाजार मूल्य प्राप्त हो इसके लिए एमएसपी घोषित करके और बाजार उपलब्ध। गन्ना किसानों की बहुत समस्या आती थी, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना किसानों को भी मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया है और मेरा विश्वास है हमारा गन्ना किसान अपने गन्ने के उत्पादन को और बढ़ाएगा। जो चीनी मिले हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने बंद कर दिया, योगी जी की सरकार ने उन चीनी मिलों को सुदृढ़ीकृत किया, उच्चीकृत किया, जो बंद हो गई थी उसकी जगह उन्होंने नई चीनी मिल लगाई जिसमें मुंडेरवा पिपराई, अब तो हमारी चीनी मिलें एथनॉल भी बना रही हैं, डिस्टिलरी भी चला रही है और कुछ चीनी मिलें विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाई है। इन सब उद्देश्यों को लेकर के आज आपको काफ़ी ज़्यादा अगर एमएसपी की बात की जाए तो प्रियंका गांधी ने कहा कि एमएसपी तो बढ़ा है लेकिन गन्ना मूल्य अभी नहीं बढ़ा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए प्रियंका गांधी को क्या सुने, उनको गन्ने की फसल दे दे तो पहचान नहीं पाए वो गन्ना क्या हो। गन्ने का मूल्य अभी भारत सरकार ने जो 5% के बाद रुका है उसको बढ़ाया, उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना मूल्य बढ़ाने का संकल्प दोहरा चुकी है, हम बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे वो तारीख पर बताएंगे ना, 26 तारीख है मालूम। अगर सपा की बात की जाए तो सपा कह रही है कि 4 साल आप लोगों का पूरा हो चुका है, योगी सरकार का पूरा हो गया लेकिन अभी भी गड्ढा मुक्त और भ्रष्टाचार युक्त अभी बीजेपी सरकार रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले तो अखिलेश यादव की सरकार के गड्ढों को पाटा, उत्तर प्रदेश के जो खजाने लूट लिए तो उस खजाने को सही किया, 11,000 करोड़ गन्ना किसानों का चीनी मिलों को बकाया था उसको पूरा किया, अब हमारे वर्तमान समय में किसी चीनी मिल पर गन्ने के जो किसान हैं उसका कोई बड़ा बकाया नहीं है, 86% गन्ने के बकाए का भुगतान हो चुका है। क्योंकि अखिलेश जी सरकार नहीं चला रहे थे, वो तो जैसे जन्मदिन के दिन कोई बाप बेटे को गिफ्ट वाउचर पकड़ा दे, उत्तर प्रदेश की जनता गिफ्ट वाउचर के रूप में उनको मिल गई थी, जितना हो सका वो उत्तर प्रदेश की जनता के भावनाओं से खेले थे, उत्तर प्रदेश की जनता की भावनाओं का मजाक उड़ाए थे, उत्तर प्रदेश की खेती किसानी उद्योग धंधों को बर्बाद किए थे, उनके कार्यकर्ता उनकी सरकार जमीन के धंधे में लिप्त हो गई थी, अब अखिलेश जी के उस विचारधारा के दिन लग गए, ना वो समाजवादी रह गए और ना ही उन्होंने कोई कल्याणकारी सरकारें चलाई थी, उनका पूरा एजेंडा परिवारवादी था और परिवारों के बीच क्या हो रहा है आप सबसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अनुसूचित जाति जो है वो हम उनको बढ़ावा देते हैं, बीजेपी सरकार उनको भ्रमित करती है। क्या कहते हैं ओम प्रकाश राजभर जी, कौन सुने, वो तो महाराज सुहेलदेव को भूल गए, उनको उन गरीब परिवारों का ध्यान नहीं है, जब उनको अवसर मिला था तो पहला टिकट अपने बेटे का मांगा था, परिवार से ऊपर ओम प्रकाश राजभर जी उठ नहीं पाए और अभी भी अपने परिवार के परिधि में ही वो परेशान है। किसानों की आय दुगनी होने की बात बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में की थी, क्या लगता है कि किसानों की आय दुगनी हो, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि जस का तस है किसानों। देखिए किसान, आप जरा 2014 की एमएसपी और 2020 की एमएसपी दोनों के, इस समय धान का जो एमएसपी मूल्य तय हुआ वो 1940 रुपये तय,
तिलहन दलहन सब चीज़ मिश्रित रहते हैं। किसान के लिए बाजार बनाने हैं जो अपनी फसल का उचित दाम पाए। अब अखिलेश जी तो मुझे नहीं लगता कि कभी खेत की मेड़ में देखे, उनका विलासतापूर्ण जीवन रहा है। सरकार में आए तो सैफई में ही उन्होंने मनोरंजन में ही रातें काट दिया। अब वो पुनरावृत्ति कर रहे हैं या ये कहिए कि पूर्व अभ्यास कर रहे हैं वो अखिलेश जी। डीजल की बढ़ती कीमतों ने कहीं किसान को परेशान किया? डीजल की बढ़ती कीमतों ने नहीं, किसान को डीजल की बढ़ती कीमतें उतनी चिंता का विषय नहीं बनी। अब जरा 2014 का जो हमारे देश में पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण और कभी कभी पूर्व की सरकारों की गलतियों का भी खामियाजा हो, आज परिस्थिति किसान के पक्ष में है और किसान अपने विकास को लेकर चिंतित है। उनको सरकार की योजना कैसे उन तक पहुँचे, किसान उसके लिए लालायित है और सरकार भी उसी के लिए प्रयासरत है कि हमारा किसान आत्मनिर्भर बने। और जो एक हमारा सपना था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का उत्थान, नरेंद्र मोदी ने अंत्योदय के उत्थान से आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ाकर 26 तारीख को आप लोग निकाल रहे हैं, इसमें 2022 के चुनाव को लेकर कितना फायदा मिलेगा? देखिए, किसान के समृद्धि का कार्यक्रम और 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत नहीं अपार बहुमत के साथ बनेगी। किसान आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आगे भी किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक।